नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आप इस वक्त देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिदिन कई अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कल ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महिला मोर्चा की तरफ से बैटरी चलित रिक्शा को जो पटना की सड़कों पर उतारा गया था, और आज एक बार फिर से जो है वो 71 ट्रैक्टरों को पटना की सड़कों पर निकाला गया है, जिसको खुद हरी झंडी देकर के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने निकाला है। तस्वीरों में इस वक्त आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी पटना की तस्वीर इस वक्त हम आप दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि किस तरह से ढोल लगाड़े के साथ जो है वो बीजेपी कार्यालय में ट्रैक्टरों का काफिला लगा है, और खुद इसको जो है प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल स्टेयरिंग थामे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, इस पूरे कार्यक्रम की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी अगले 20 दिन जो 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा एवं समर्पण अभियान चला रही है, उसी के तहत आज किसान मोर्चा द्वारा ट्रैक्टर जुलूस बिहार के सभी जिलों में निकाला जा रहा है। और इस ट्रैक्टर जुलूस में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों के विकास के लिए जो कार्य किए हैं उसकी एक पूरी झांकी दिखाई जा रही है, और सभी किसानों को जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसके लिए आज से किसान मोर्चा जागृति अभियान चलाएगा, जिससे कि सभी किसानों को जो भी योजनाओं का लाभ है वह मिल सके। सर, कटिहार का मामला है सर, 53 करोड़ का टेंडर डिप्टी सीएम के परिवार के लोगों को मिला है सर। एक करोड़ 87 लाख का मिला है टेंडर उनके बेटे को, यह मिला है 2019 फरवरी में, और यह चुनाव से पहले ही वह काम भी उसने पूरा कर दिया था। तो यह सही है कि एक विधायक के बेटे ने 1 करोड़ 87 लाख का कार्य कराया है, और चुनाव से पहले सारा कार्य उसका समाप्त हो गया था, इसलिए इसमें दूसरा कोई करने की जरूरत नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं? तो साफ तौर पर इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं कि देखिए ट्रैक्टर रैली आज बीजेपी के तरफ से निकाला जा रहा है, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल खुद ट्रैक्टर के स्टेयरिंग पर इस वक्त आपको बैठे नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 20 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर अनेक अनेक कार्यक्रम का आयोजन करने की बात कही है, और इस वक्त देखिए किस तरह से जो है वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जो है वो ट्रैक्टर के स्टीयरिंग पर खुद मौजूद हैं, और अब ट्रैक्टर रैली का शुभारंभ होगा। यहाँ पर देखिए कि बीजेपी कार्यालय से आज जो है ये तमाम ट्रैक्टर्स निकाले जाएंगे। कल जिस तरह से देखा आपने कि कल महिला मोर्चा के तरफ से जो है वो किस तरह से ई रिक्शा निकाला गया था पटना की सड़कों पर, और आज अब एक बार फिर ट्रैक्टर के जरिए विरोधियों की ताकत को भांपने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो ट्रैक्टर रैली निकाल रही है। सीधी तस्वीर इस वक्त आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से देख रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए कि तमाम ढोल नगाड़े तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, और ट्रैक्टर रैली आज निकाली जाएगी और पटना की सड़कों पर ये ट्रैक्टर जो है चलाया जाएगा। आप देखिए कि ट्रैक्टर के आगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली बैनर लगी है, जिसमें किसान जवान सम्मान समारोह और आज का दिनांक है, देखिए कि एक मुस्कुराता हुआ चेहरा प्रधानमंत्री का और ट्रैक्टर में साफ नज़र आ रहा है। ये ट्रैक्टर रैली आज पटना के सड़कों पर प्रधानमंत्री के इसी बैनर और पोस्टर के जरिए निकाले जाएंगे। इस वक्त सीधी तस्वीर हम आपको बीजेपी के पटना ऑफिस से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ये ट्रैक्टर रैली आज जो है वो निकाली जा रही है। अब देखिए कि खुद संजय जायसवाल जो कि बिहार बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो कमान संभाले थे, और अब ट्रैक्टर रैली यहाँ से